वायु पुराण के अध्याय 6 में सूची बोले, पृथ्वी तल पर अग्नि के नष्ट हो जाने पर अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। स्थावर जंगम सहित पृथ्वी जब उस जल में विलीन होगी तब चारों ओर केवल समुद्र दिखाई पड़ने लगा। उस परले प्योधी में कोई दूसरा पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उसने सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र पाद और सहस्त्र शीर्ष वरन और अतीन्द्रिय पुरुष भगवान ब्रह्मा, जिनको नारायण कहा जाता है, उस सलील राशि में सो गए। कुछ समय बाद सतोगुण के जागृत होने पर वे जाग गए। उस समय उनको चतुर्दिक शून्य ही दिखाई पड़ता था। उन नारायण के प्रति ये श्लोक कहा जाता है कि अप नार तनु, ये जल की संज्ञाएं हैं। अतः वे जल में सोते हैं, इसलिए वे नारायण कहे जाते हैं। वे ही हजार युगों के बराबर निशाकाल बीत जाने पर रात्रि के अंत में सृष्टि के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा उस समय वायु का रूप धारण कर वर्षाकाल के रात्रि के समय इधर उधर उड़ने वाले जुगनू की तरह इधर उधर समुद्र तल पर घूमने लगे। अनुमान से उस समुद्र में डूबे ही पृथ्वी का पता पाकर उनके उद्धार के लिए सचेष्ट हो गए। उन्होंने पूर्व कल्पों में जैसा शेर धारण किया था वैसा ही दूसरा शेर धारण कर लिया। पुनः में महात्मा मन में दिव्य रूप का ध्यान करने लगे। चारों ओर से पृथ्वी को जल से घिरी हुई देखकर सोचने लगे कि किस महान शरीर को धारण कर इस पृथ्वी का उद्धार करूं। इतने में जल क्रीड़ा के उपयुक्त वरा रूप का उनको स्मरण हो आया। तब हरि ने प्राणियों से अजय वांग्मय और धर्ममूर्ति वरा रूप को धारण किया, जिसका शीर 10 योजन लंबा और 100 योजन ऊंचा था। वे रंग में नीले मेघ के समान घोर और चीत्कार करने में भी मेघ के ही समान विशालकाय, श्वेत और तीक्ष्ण और कठोर दांतों वाले। उस वराह की आंखें विद्युत और अग्नि के समान चमकीली थी। सूर्य के समान तेजस्वी उनका स्कंद मोटा लंबा और गोल था। सिंह के समान गमन करने वाले उस देव का कटी भाग पीन और उन्नत था। इस प्रकार सुडोल, शुभ लक्षण, अमित और विपुल काय उस वरा रूप को धारण कर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में भगवान जी घुस गए। उस भगवान वरा के वेद चरण यूप द्रंष्ट यज्ञ वस्क स्थल चिति मुख अग्नि जिहा कुश रोम समूह और ब्रह्मा ही सिद्ध थे। उस महात्मा ने दिन रात को नेत्र के रूप में धारण किया था। वेदांग उनके कानों के कुंडल, आज्यम नासिका के छिद्र और स्त्रुवा उनका तुंड नथुना था। उनका धीर घोषी सामगान था। सत्य धर्म में वे श्रीमान धर्म और विक्रम की साक्षात प्रतिमा थे। प्राश्चित उनका रथ, पशु उनका भयंकर जनुदेश था। वे महान आकार वाले थे। उद्गाता उनकी अंतड़ियां, होम लिंग स्थान और महाऔषधियां बीज, ज्ञान उनका अंतःकरण, मंत्र सफिग आज्य रक्त सोम शोणित सदा वेद स्कंद थे। हवि उनके शीर की स्कंद, हवि उनका वेग और प्रागमन शरीर था। परम ध्युतिमान वे नाना दीक्षाओं से दीक्षित थे। महायज्ञ मैं विभू योगी का दक्षिणा हृदय था। उपाक्रम रुचिर इष्टि और अवर्ग्य ही वैभव था। नाना छंद गतिपथ और रहस्य में उपनिषद वासन थे। पत्नी छाया के सहित वे मणि में श्रृंग समेरु के समान ऊंचे थे। इस प्रकार प्रभु यज्ञवरा बनकर उस जल राशि में घुस गए। उस प्रजापति ने जल से आवृत पृथ्वी के समीप जाकर उसको दांतों से पकड़कर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इतना कर चुकने के बाद समुद्र जल को समुद्र में, नदी जल को नदियों में बांट दिया। पृथ्वी के उद्धारकर्ता उन हरि ने पृथ्वी को अपने निर्दिष्ट स्थान पर रखकर पहले मन में भविष्य की रूपरेखा निश्चित कर उसको जल तल पर छोड़ दिया। उस जल राशि के ऊपर पृथ्वी बहुत बड़ी नाव के समान स्थित हुई, जो अपने आकार के विपुलता और भगवान के प्रभाव से डूबती नहीं है। कमल नेत्र देव पृथ्वी का उद्धार करने के अनंतर संसार स्थापन के उद्देश्य से
पृथ्वी को कई भागों में विभक्त करने को सोचने लगे। पहले भूतल को समतल कर उन पर पहाड़ों को स्थापित किया। पूर्व सृष्टि में जो संवर्तक अग्नि से गल गए थे और धरातल पर चारों ओर जल कर बिखर गए थे, वे उस जल प्लावन में शीतलता के कारण वायु के द्वारा जल इकट्ठा हो जाने से पहले जहां जहां स्थित थे वहां वहां इस बार भी अचल हो गए। पहले पिघलकर वे अचल स्थित हुए, इसलिए परतों का नाम अचल पड़ा। पर्व होने के कारण वे पर्वत कहे गए। जल के भीतर निकल जाने के कारण गिरी और शिलाओं के चयन के कारण परतों का नाम शिलोच्य पड़ा। उन लोक समुद्र परतों के नष्ट हो जाने पर विश्वरष्टा हरि कल्प के आदि में बार बार पृथ्वी का विभाग और निर्माण करते हैं। इस नियम के अनुसार इस बार भी उन्होंने समुद्र, सप्तद्वीप और परतों से युक्त इस पृथ्वी, भू आदि चारों लोकों की सृष्टि की। लोक सृष्टि के अनंतर प्रजा सृष्टि की। जिस समय ध्यान अवस्थित होकर उन्होंने बुद्धि पूर्वक सृष्टि की इच्छा की, उस समय ध्यान के साथ ही तमो, मोह, तमिस्त्र और अंध नामक पांच प्रकार की तमो में सृष्टि हुई। उस महात्मा के ध्यान मात्र से पांच पर्वों वाली ये अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी ध्यानस्थ देव का ये स्वर्ग पांच भागों में विभक्त था। वह स्वर्ग चारों ओर से अंधकार से ढका ऐसा जान पड़ता था मानो घड़े से ढका दीपक हो। वह स्वर्ग बाहर और भीतर से प्रकाशमान, शुद्ध और निसंग अचेतन था। अतः उन पांचों से बुद्धि और मुख्य कारण इंद्रियां ढकी हुई थी, इसलिए वह संवृत आत्मा नग नामक मुख्य स्वर्ग कहलाई। ब्रह्मा अपने मुख्य स्वर्ग को इस प्रकार सृष्टि कार्य में अवरोधक देखकर असंतुष्ट हो गए। उस स्वर्ग से विरक्त होकर वे अन्य सृष्टि के लिए ध्यान करने लगे। उनके ध्यान करने से वे तिर्यक, तिरछा, स्तोत्र नामक स्वर्ग उत्पन्न हुआ। यथा उस समय के उत्पन्न पदार्थ तिर्यक, उल्टा व्यवहार और व्यापार करने वाले थे, इसलिए उनका नाम तिर्यक स्तोत्र पड़ा। वे सभी तमोगुण की अधिकता के कारण अज्ञानी हुए। विपरीत मार्ग पर चलने वाले, ध्यान और अध्ययन पर कुछ भी विचार करने वाले नहीं थे। उस तिर्यक स्तोत्र स्वर्ग को देखकर ईश्वर ने पुनः दूसरे प्रकार की सृष्टि की। वह सृष्टि अहंकार भाव वाली और 28 प्रकार की है। एकादश इंद्री वाले उस स्वर्ग का नवविद उदय बताया गया है। तारक आदि की संख्या 8 है, जिनकी शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की है। उनका अंतस प्रकाशमान, परंतु बाहर से वे ढके हुए हैं। वे तिर्यक व्यवहार वाले हैं, अतः तिर्यक स्तोत्र उनका नाम है। इस तिर्यक स्तोत्र वाली सृष्टि को देखकर भी ईश्वर ने तृतीय सृष्टि की इच्छा की, क्योंकि पूर्व की दो सृष्टियों को देखकर उनके हृदय में अन्य प्रकार की सृष्टि करने की इच्छा हुई थी। उनके नित्य ध्यान से सात्विक स्वर्ग उत्पन्न हुआ। वह तीसरा सर्ग उद्धर्व स्तोत्र हुआ, जो कि उद्धर्व दिशा की ओर व्यवस्थित रहा। यथा उनके ऊपर की ओर ही गति थी, इसलिए उस सर्ग का नाम उद्धर्व स्तोत्र पड़ा। उस सर्ग के जीव सुखी और प्रेमी थे। उनका अंतर और बाह्य दोनों प्रकाशमान और समान रूप से व्यवस्थित था। ऐसे उद्धर्व स्तोत्र सर्ग से उत्पन्न सभी उद्धर्व स्तोत्र ही कहे जाते हैं। उसी सर के अंतर्गत जीवों में प्राण संचार करने वाले वायु आदि सम्मिलित हैं। उधर प्रवृत्ति होने के कारण ही वह सर्ग उधर स्तोत्र कहा गया है। उस समय उधर स्तोत्र देवों की सृष्टि हो जाने के कारण प्रभु ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने वे अब दूसरे प्रकार की सृष्टि करने का विचार किया। उन प्रभु ईश्वर ने अन्य साधक इच्छानुकाल सर्ग की सृष्टि की। उस समय सत्य चिंतन करने वाले ब्रह्मा के चिंतन से अव्यक्त व्यक्त स्तोत्र नामक स्वर्ग उत्पन्न हुआ, जो प्रभु के इच्छा अनुकूल था। अतः वह स्वर्ग मध्यगत प्रवृत्ति वाला था, इसलिए वह अर्वाक स्तोत्र कहा गया है। उस स्वर्ग के जीव प्रकाश, सत्य, द्रज्य और तम तीनों गुणों से यथेष्ट रूप से पूर्ण थे, इसलिए उनमें दुख की मात्रा अधिक थी और वे बार बार कर्म करने वाले हुए। वे मनुष्य अंत बाय सभी ओर से प्रकाशपूर्ण और सृष्टि के सहायक हुए। वे तारक आदि लक्षणों से 8 वर्णों में स्थित हैं।
वे सिद्ध आत्मा मानव गंधर्वों के सहधर्मी हैं। इस प्रकार ये सर्ग तेजस और अर्वाक स्तोत्र कहा गया है। पांचवा सर्ग अनुग्रह के नाम से विख्यात है, जिसकी व्यवस्था शक्ति तुष्टि एवं सिद्धि के विपर्य उल्टे क्रम से की गई है। वो सृष्टि के प्राणी ब्रह्म के विवर्त रूप एवं उसके वर्तमान अर्थ को तात्विक रूप से जानते हैं। इस प्रकार भूत आदि पंचभूत आदि जीवों का ये सर्ग छठा सर्ग कहा जाता है। उनमें जो संचय तथा समान विभाग करने वाले और भक्षणशील एवं कठोर प्रति के हैं, उन्हें भूत सर्ग नामक छठा सर्ग जानना चाहिए। विपर्याय के क्रम से उत्पन्न वह भूतादि सर्ग शक्तिहीन रूप से स्थित है। प्रथम उत्पन्न होने के नाते इसको महत सर्ग कहा गया है, इसलिए उसे महत सर्ग जानना चाहिए। पंच तन्मात्रा का दूसरा रूप भूत सर्ग कहा जाता है और विकार जनित होने के वाले के नाते उसके तीसरे रूप को वैकारिक कहते हैं और ऐन्द्रिक अर्थात इंद्रियों द्वारा जनित भी कहा जाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक यह प्राकृत सर्ग उत्पन्न हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है, जिसमें मुख्य स्थावर सर्ग का होना बताया गया है। तिर्यग स्तोत्र वाले उस पांचवें सर्ग को तिर्यग योनि कहा गया है और उद्धर्व स्तोत्र वाले उस छठे को देव सर्ग कहा गया है। इस प्रकार अर्वाक स्तोत्र वाले को सातवां मानुष सर्ग कहा गया है एवं अनुग्रह सर्ग को आठवां, जो कि सात्विक और तामस के सम्मिश्रण से प्रादुर्भूत है। इस प्रकार पांच प्रकार के विकृत और तीन प्रकार के प्राकृत सर्ग बताए गए हैं। उन्हीं विकृत और प्राकृत सर्गों के समेत नवे कुमार सर्ग का व्याख्या की गई है। इसमें तीन प्रकार के इस प्राकृत सर्ग की बुद्धिपूर्वक सृष्टि की गई है। इस प्रकार ब्रह्मा की ये छह सृष्टियाँ बुद्धिपूर्वक ही प्रवृत्त होती हैं। अब मैं वर्णीय उस अनुग्रह नामक सर्ग की, जो समस्त प्राणियों में चार प्रकार से पूर्ण रूप से स्थित है, विस्तृत व्याख्या बतला रहा हूँ, तुम लोग सुनो। शक्ति तुष्टि एवं सिद्धि के विपर्याय क्रम से स्थावर सृष्टि में विपर्याय और तिरेक योनियों में शक्ति का संचार हुआ है। अतः मनुष्यों में सिद्धि और देवों में तुष्टि पूर्ण रूप से निहित है। पुनः इस प्रकार प्राकृत और विकृत सर्ग नौ प्रकार के बताए गए हैं। परस्पर संबंध इन सर्गों के बहुत से भेद कहे गए हैं। सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने ही समान विद्वान सनक सनंदन और सनातन नामक तीन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। वे तीनों महातेजस्वी अपने सृष्टि काल के प्रभाव से निवृत्ति मार्ग पर अटल रही। नाना तत्व के रहस्य को जानकर वे ज्ञान संपन्न हो गए और पिता की आज्ञा न मानकर प्रजा उत्पत्ति से विमुख होकर अन्यत्र चले गए। इस प्रकार उन कुमारों के चले जाने पर ब्रह्मा ने पुनः अपने पद का अभिमान करने वाले अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने सृष्टि कार्य में पूरा सहयोग दिया। परले तक स्थित रहने वाले स्वाभिमानी देवों के नामों को गिना रहा हूँ, सुनो। जल अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष दिशाएं स्वर्ग दिव समुद्र नद शैल वनस्पतियां औषधियां आत्मा मन वृक्ष छोटे वृक्ष लव काष्ट कला मुहूर्त संधि रात्रि दिन पक्ष मास अयन वर्ष युग ये सभी स्वाभिमानी और स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके मुख से ब्राह्मण वक्ष स्थल से क्षत्रिय और उससे वैश्य और जिनके पैर से शूद्र। इस प्रकार जिसके शीत से सब वर्ण उत्पन्न हुए हैं वे नारायण अव्यक्त से परे हैं। उस अव्यक्त से अंड की उत्पत्ति हुई और अंड से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने स्वयं लोकों को उत्पन्न किया। वे यह प्रक्रियापाद आप लोगों से संक्षेप में कहा गया है। इस प्रकार इस आद्यपाद के द्वारा ये पुराण कहा गया है। सातवें अध्याय में सूची कहते हैं, यह पहला प्रक्रियापाद कह दिया गया, जिसको सुनकर सनातन काश्यप पे प्रसन्न हो गए। इसके बाद सूत का प्रिय शब्दों से सम्मान कर उन्होंने पुनः आगे की कथा पूछी।
कि कल्प की कथा जानने वाले आप अत्यंत कुशल हैं। अब इसके बाद प्रतिसंधि के विषय में हम लोगों को बताइए, बीते हुए और वर्तमान कल्प का जो मध्यकाल है उसकी जो प्रतिसंधि है उसकी हम लोग जानना चाहते हैं, आप अत्यंत कुशल हैं। तो लोम हर्षण जी बोले, अब मैं अतीत और वर्तमान दोनों कल्पों की जो प्रतिसंधियाँ हैं तथा जिन कल्पों में जो मन्वंतर होते हैं शिवव्रत उनको बतला रहा हूँ। ये जो वर्तमान कल्प है वे शुभ संप्रांत सांप्रत या वरा कल्प कहलाता है। इस कल्प में पूर्व का जो कल्प बीत गया है वह सनातन कल्प था। उस व्यक्ति अतीत और इस वर्तमान वरा कल्प की मध्य अवस्था के विषय में सुनिए। पूर्व कल्प के बीत जाने पर प्रतिसंधि आती है और दूसरा कल्प जन लोक से आता है। बीच में प्रतिसंधि के आ जाने से ही एक कल्प दूसरे कल्प से पृथक हो जाते हैं। पूर्व कल्प के बीच जाने पर उस अतीत कल्प को प्रतिसंधि कहा जाता है। मन्वंतर और योगों की अविच्छिन्न संधियां मन्वंतर योग के साथ परस्पर प्रेरित होती हैं। जो प्रक्रियापात में संक्षेप से कहे गए हैं वे पूर्ण कल्प हैं। उन प्रात कल्पों में इससे पूर्व जो प्रथम कल्प था वह तो व्यतीत हो चुका, किंतु द्वितीय प्रारब्ध कल्प अभी नहीं व्यतीत हुआ है। अन्य जो भविष्य में आने वाले कल्प हैं वे अपराध से कुनीकृत अपराध नाम से प्रसिद्ध हैं। दीजो उनमें से पहला सांप्रत नामक ये कल्प बीत रहा है। जो प्रथम प्रार्ध में पूर्व है और जो द्वितीय प्रार्ध में पर कहा जाता है, इतना काल परिमाण स्थिति काल है। इसके बाद का काल प्रत्याहार परले काल कहा गया है, अर्थात पूर्व और प्रार्ध काल स्थित काल और इस द्विप्रार्ध के बाद का परले काल प्राकृत परले काल कहा जाता है। इस कल्प से पूर्व जो सनातन कल्प था वह बीत चुका है। वह सहस्त्र चतुर्युग के अंत में मन्वंतर परिमित बाह्य तीस के अंत होने पर क्षीण हो गया। उस समय कल्प के क्षीण होने पर और परलेकालीन दा काल के आ जाने पर उस कल्प में जितने विमान विहारी देवता नक्षत्र ग्रह तारामंडल सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह थे वे सकृत आत्मा देव सब मिलकर 28 करोड़ थे। ये एक मन्वंतर के देवताओं की संख्या है। इस प्रकार 14 मन्वंतर के देवों की संख्या 392 करोड़ हुई। पहले व्यतीत बीते हुए कल्प में जो वैमानिक देव थे उनकी संख्या 708,000 कही गई है। एक कल्प में जितने वैमानिक देव होते हैं स्वर्ग में उतने ही 14 मन्वंतरों में होते हैं। उस मन्वंतर या कल्प काल में जितने देवता पितर मुनि तथा मानव उनके अनुचर वर्णनाश्रम धर्म अवलंबियों के पूज्य जितने देवता एवं मन्वंतरों में जो देव लोक के रहने वाले देवता थे वे अपने संयोजकों के साथ उस समय संहार काल में परलेकालीन लक्षणों के उपस्थित हो जाने पर समान भाव से अपने अवश्यम भावी स्थान नाश को जान गए। अतः वे त्रिलोक के वासी देवता जो कि अपने स्थान महत्व और अभिमान करने वाले थे उस समय अपने स्थिति काल को समाप्त प्राय और पश्चात भावी परले के उपद्रवों को निकट आया हुआ समझ गए। अतः अपने स्थानों को छोड़कर उत्सुकता और विषाद युक्त हो महर लोक जाने के लिए आतुरता के साथ सोचने लगे। उस समय सभी देवता अपनी परम आत्म शुद्धि के कारण महर लोक के उपयुक्त शीत को पा गए। इस प्रकार उस समय सबको मानसिक सिद्धि प्राप्त हो गई। वे 14 प्रकार के देवगण उस महर लोक में उन ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों भक्तों और अपर जनों के साथ जिन्होंने महान को प्राप्त कर लिया है कुछ समय रहकर जन लोक जाने के लिए उद्विग्न होकर सोचने लगते हैं। तत्पश्चात वे अति विशुद्ध अंतःकरण वाले जिन्होंने मानसी सिद्धि प्राप्त कर ली है उस कल्पवासियों के साथ जिन्होंने की महान को प्राप्त कर लिया है जन लोक को चले जाते हैं। वहाँ पर 10 कुने समय तक पूर्व काल के 10 कुने अर्थात 10 कल्प तक आनंद भोग कर पुनः वहाँ से तपोलोक को चले जाते हैं। वहाँ भी 10 कल्प तक रहकर पुनः सत्यलोक को चले जाते हैं। इस क्रम से कल्प निवासी उधर लोक जाते हैं। इस प्रकार एक के बाद एक लोक को प्राप्त करने से देवों के सहस्त्र युग बीत जाते हैं।
वे देव ब्रह्मलोक में जाकर ऐसी गति को प्राप्त हो जाते हैं, वहां से पुनः लौटते नहीं, वहां से अधिपत्य को नहीं प्राप्त करते, परंतु रूप और विषय से ब्रह्म के ही अनुरूप होते हैं और उन्हीं के समान ऐश्वर्या उपभोग करते हैं। प्रसन्नतापूर्वक वे वहां ब्रह्म आनंद को पाकर ब्रह्म के साथ मुक्ति अर्थात मोह मुक्ति प्राप्त करते हैं। पुनः जो स्वयं प्रकृति सिद्ध अवश्यम भावी सृष्टि प्रयोजन वश नाना तत्व से संबंध हो जाते हैं, उस काल में संबंध देवों के ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे जानबूझकर सोने का बहाना करने वालों की होती है। वे उस समय जैसे सोते हुए ही जागते रहते हैं, उसी प्रकार उस समय उन मुक्त पुरुषों या देवों के मन में तत्काल संबंधी नाना तत्व का ज्ञान उद्भुत हो जाता है। जो भेद ज्ञान प्रत्याहार परले काल में रहता है, वही अब अपने भिन्न भिन्न सूक्ष्म रूपों में व्यक्त हो जाता है। उन ब्रह्मलोक निवासी अपने धर्म का पालन करने वाले परंतु संपत्ति नाना तत्व दर्शन से अधिकार च्युत महापुरुषों के प्राकृत ज्ञान के साथ ही कार्य कारण की सृष्टि होने लगती है। वे पहली कोटि के शुद्ध आत्मा निरंजन और तुल्य लक्षण कारणातीत सिद्ध पुरुष अपनी प्रकृति से ही व्यवस्थित रहते हैं। प्रकृति उन द्वितीय कोटि के मुक्त पुरुषों पर सर्वथा अपनी धाक को जमा लेती है, परंतु वह पुरुषों के बिना सहयोग के किसी कार्य को स्वयं नहीं प्राप्त करती है। अतः परले काल में पुरुष में ही ये लीन हो जाती है। सृष्टि आरंभ होने पर या कारण उपस्थित होने पर उन योगी तत्वदर्शी युक्त आवागमन के बंधन से रहित पुरुषों की उस प्राकृत संयोग काल में ही शांत अग्निज्वाला के समान पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार इस त्रिलोक से उधर व अत्यंत महान लोकों में तप सत्य उन महापुरुषों के चले जाने पर उनके साथ रहने वाले वे महापुरुष तपस्वी गण जिन्होंने की अपनी तपस्या से महरलोक से ऊपर के लोकों का अधिकार नहीं प्राप्त किया है, कल पर्यंत वहीं महरलोक में शरीर धारण करके निवास करते हैं। उस समय गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत मानव ब्राह्मण क्षत्रिय आदि पशु पक्षी स्थावर सरीसृप रेंगकर चलने वाले सांप आदि जो जीव पृथ्वी तल पर रहते हैं उनको परले का सामना करना पड़ता है। उस समय सूर्य की जो सहस्त्र किरणें चमकती हैं उनमें से प्रत्येक सप्तरश्मि होकर एक सूर्य बन जाती है। क्रमशः वे सूर्य अधिकाधिक प्रज्वलित होते जाते हैं और अपनी अपनी असह्य ज्वाला से तीनों लोकों को जलाते रहते हैं। स्थावर जंगम सब नदियां सब पर्वत जो कि पहले अनावृष्टि के कारण सूख गए थे वे सब अब सूर्य किरणों से जला दिए जाते हैं। वे समस्त धर्मात्मक अर्ध धर्मात्मक पार्थिव पदार्थ अगत्या जल जाते हैं। तब वे सभी अपने पार्थिव शरीर के जल जाने के कारण निष्पाप हो जाते हैं और उनका आयु युग के तीन के बीच जाने पर भी अपने शुभ और अशुभ कर्मों से संबंध रखने वाली योनि से संबंध बना ही रहता है। अत्यंत विशुद्ध मानसी सिद्धि प्राप्त करने के वर व्यक्ति जनलोक में वैसे ही कर्म सारणी तुल्य आकृति प्राप्त करते हैं। वे अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की रात्रि को वहां रहकर बिताते हैं। पुनः सृष्टि काल में ही ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। अंतर जब त्रिलोक के वासी जनलोक में जाने के लिए नहीं शेष रह जाते अर्थात अपनी सृष्टि के क्षीण हो जाने पर वे जनलोक के आखिरी अधिकारी नहीं रहते, सप्त सूर्य की ज्वाला से वे सब लोग दग्ध हो जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी वृष्टि से लबालब भर जाती है और सब आवास स्थान नष्ट हो जाते हैं। तब समुद्र मेघ समुद्र जल और सब पृथ्वी से संबंध जल राशि परस्पर एकाकार होकर एक महासागर के रूप में हो जाती है। इस प्रकार जब जल राशि एकाकार हो इस भूमि को चारों ओर से घेर लेती है तब इसका नाम अर्शवा हो जाता है जिससे सब प्रकाशित होते हैं जिसके बिना कोई प्रकाश नहीं आते।
जो अपनी व्याप्ति एवं दीप्ति के कारण चारों ओर फैला रहता है उसको अम्ब कहते हैं। वह अम्ब अर्थात जल संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर विस्तृत करता है और तनु धाति विस्तार अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए अम्ब को तनु भी कहा जाता है। कवियों ने अर इसको शीघ्रार्थ द्योतक माना है। एकार्णव काल में जल शीघ्र कामी नहीं होता, इसलिए जल को नर या नार भी कहा जाता है। शास्त्रीय काल परिमाण वाले ब्रह्मा के एक दिन की स्थिति के बाद उतने ही परिमाण वाली रात्रि की हो जाने पर, जबकि चारों ओर केवल जल व्याप्त रहता है और अग्नि के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी तल पर चारों ओर घना अंधकार छा जाता है, कहीं पर भी आलोक नहीं दिखाई देता, तब उस शरीर में निवास करने वाले उस प्रभु पुरुष ब्रह्मा के हृदय में पुनः इस लोक को विभक्त करने की इच्छा हुई। स्थावर जंगात्मक सृष्टि के नष्ट हो जाने पर जब उस समय केवल एकमात्र समुद्र शेष रह जाता है, तब केवल इच्छा मात्र से वह ब्रह्मा शस्त्राक्ष अर्थात हजार आंखों वाला, शस्त्रपाद अर्थात हजार पैर वाला, सतशीर्ष अर्थात हजार सिर वाला, सन के समान वरण वाला और अतिन्द्रिय हो गया। उस समय वे नारायण नामक ब्रह्मा जल में ही सोते थे। ब्रह्मा के हृदय में उस समय जब सत्य गुण की वृद्धि हुई तब उनको ज्ञान प्राप्ति होगी, तब उन्होंने चारों ओर केवल शून्य ही शून्य देखा। नारायण के संबंध में इस प्रकार का श्लोक प्रसिद्ध है कि जल का नर और तनु नाम है। उस जल में वे नाभि एक मगन होकर रहते हैं, अतः उनका नाम नारायण पड़ा। इस सहस्त्र प्राण मन मुख मस्तक हस्त पाद चक्षु और वरण वाले सर्वाग्रवर्ती प्रजापति पुरुष के विषय में वेदों में विशेष उल्लेख है। वही महात्मा वेद में आदित्यवरण भुवनपालक अपूर्व प्रथम प्रजापति इंद्र तामसे परे हिरण्यगर्भ और महापुरुष कहे जाते हैं। यही कल्प के आदि में रजगुण के उद्रेक होने से ब्रह्मा होकर प्रजा की सृष्टि करते हैं और कल्पांतर काल में तमगुण के उद्रेक होने से काल होकर सबको निगल जाते हैं। सत्य गुण के उद्रेक होने से वे एकार्णव में शयन करते हैं, अतः नारायण नाम से प्रसिद्ध होते हैं। वे अपने को तीन भागों में विभक्त करके त्रिलोक्य में विराजमान रहते हैं। तीनों मूर्तियों के द्वारा वे सृष्टि और पालन किया करते हैं। 4000 युग के जब स्थावर जंगम विनष्ट हो जाते हैं, 1000 दिशाएं जल में होकर कारणवकार हो जाती हैं, जब ब्रह्मा काल रूप से चतुर्विध प्रजाओं को निगलकर प्रकाशहीन जल राशि के मध्य में नारायण रूप से सोते हैं, तब उन्हें कल्प के महर लोकवासी भृगु आदि महर्षिगण देखते हैं। उन महर्षियों ने महान पुरुष का आश्रय प्राप्त किया है। गमनार्थक ऋष धातु से सर्वप्रथम ऋषि शब्द बना है, उसमें से भी वे महान हैं, अतः महर्षि कहे जाते हैं। महर लोक में स्थित वे समस्त ऋषिगण उस समय सोए हुए काल को देखते हैं। पूर्व कल्प में जो सत्य प्रभृति महर्षिगण थे उन्होंने भी काल को इसी प्रकार सुप्त देखा था। इस प्रकार ब्रह्मा को सहस्त्र नेत्र सहस्त्र रात्रि के बीच जाने पर अन्य महर्षियों ने भी काल को इसी प्रकार शयन करते हुए देखा है। यह कल्प के आदि में ब्रह्मा ने 14 संस्थाओं के विभाग की कल्पना की, इसलिए उस काल को कल्प कहते हैं। यह वही व्यक्त अव्यक्त महादेव कल्प के आदि में सर्वभूतों की बार बार सृष्टि करते हैं, अतः यह जगत उनका ही है। अतीत और वर्तमान काल के मध्य भाग में वे जो कुछ घटित हुआ है वही प्रतिसंधि वृत्तांत हैं, मैंने आपके आगे उसे कह दिया। कल्प कल्प में जो घटना घटित होती है उसे भी संक्षेप में कह दिया। अब तक जो कुछ कहा गया है अब आप लोगों से संप्रत कल्प के विषय में कह रहा हूँ, इसको सुनिए। वायु पुराण के अध्याय 8 में सोजी बोले, 1000 युग के बराबर रात्रि काल को बिताकर वे आदि पुरुष रात्रि के अंत में सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा उस समय वायु रूप धारण कर उस अंधकार में, जबकि स्थावर जंघात्मक
जगत नष्ट हुआ रहता, सारा भूमंडल चारों ओर से जलमग्न रहता, पंच महाभूतों का विभक्त रूप नहीं रहता, अर्थात पांचों महाभूत पृथक पृथक नहीं दिखाई पड़ते, इधर उधर जल के ऊपर घूमते रहते हैं, वर्षा ऋतु के खद्योत की भांति वे इधर उधर घूमते तो रहते परंतु संभव सर्दा उनका निरीक्षण किया करते हैं। उसमें प्रभु भू प्रतिष्ठा पृथ्वी को जल के ऊपर लाना के उपाय को ढूंढते रहते हैं। वे उस समय समुद्र में मगन पृथ्वी का अनुमान से ठीक पता लग पाकर पृथ्वी के उद्धार के लिए सचेष्ट हो गए। उन्हें पूर्व कल्पों का स्मरण कर तद अनुरूप ही दूसरा शीत धारण कर लिया। तब प्रभु वराह का रूप धारण करके उस समुद्र में घुस गए और जल से आच्छादित पृथ्वी को भली भांति देखकर उसको उस जल के ऊपर स्थापित कर दिया। जल को विभक्त कर भिन्न भिन्न जलाशयों में स्थापित किया, समुद्र जल को समुद्रों में, नदी जल को नदियों में और पार्थिव जल को पृथ्वी में स्थापित कर दिया। पूर्व सर्ग के संवर्तक अग्नि से भस्म होने पर उस समय के पर्वत भी पृथ्वी में ही गलकर लीन हो गए थे। जल प्लावन के समय शीतलता के कारण वे जहाँ जहाँ पहले गड़े हुए थे वहाँ वहाँ पुनः जमकर स्थिर हो गए। वायु के द्वारा ऊपर का जल भी सूख गया। गतिहीन होने के कारण उनका नाम अचल पर्व, गांठ के कारण पर्वत, जल से निकले जाने के कारण अर्थात जल में डूब जाने के कारण गिरी, पत्थरों के चयन के कारण उनका नाम सिलोच्य पड़ा। अंतर प्रभु ने जल के भीतर पृथ्वी का उद्धार कर उसको निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित किया और उसका फिर से विभाग किया। पहले उसको 7 द्वीपों में और प्रत्येक द्वीपों को 7-7 वर्षों में बांटा। विषय भूमि को समतल बनाकर शिलाखंडों से चुनकर परतों को बनाया। उन द्वीपों में 40 वर्ष बनाए गए और प्रत्येक वर्षों में उतने ही पर्वत सृष्टि के आदि में प्रकृति की अनुकूलता के आधार पर स्थापित किए गए। उसमें कोई उलटफेर नहीं हुआ। 7 द्वीप और 7 समुद्र एक दूसरे के मंडल को प्रकृति घेर कर एक दूसरे के निकट स्थित हैं। ब्रह्मा सबसे पहले भू आदि 4 लोकों को, चंद्रमा सूर्य अन्य ग्रहों के सहित बनाया और उन पर भली भांति स्थानों का भी विभाग किया। ब्रह्मा ने सबसे पहले इस कल्प के स्थाई एक स्थान पर रहने वाले जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, स्वर्ग, दिशाएं, समुद्र, नदी, सब पर्वत, अमृत में ऊंचतियां, वृक्ष, लता आदि वनस्पतियां, लव, काष्ठ, कला, मुहूर्त, संध्या, रात, दिन, पक्ष, मास, अयन, वर्ष, युग, पृथक पृथक स्थान एवं स्थान अभिमानी और स्थान आत्माओं का निर्माण कर उन्होंने कृत, त्रेता, द्वापर और कली आदि युगों का निर्माण किया। सबसे पहले कल्प के आदि में कृत युग को व्यवस्थित किया। पहले मैंने जिस काल और प्रजा की चर्चा की है उस कल्प के अंत में जो संवर्तक अग्नि से जलाए गए परंतु तपोलोक को ना जाकर जो जन लोक तक ही रह गए वे पुनः नवीन सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होते हैं और वे सृष्टि के कारण बनते हैं। वहाँ सृष्टि बीज के लिए स्थित वे पुनः सृष्टि के लिए देह धारण करते और संतान वृद्धि में सहायक होते हैं। वे प्रजा, देवता, पितर, ऋषि, मनु आदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन माने गए हैं। तदंतर वे तपस्या में लीन होकर अपने स्थानों को, कार्यों को पूरा करते हैं और सिद्ध आत्मा ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में देह धारण करते हैं और जो अपने शुभ और उदार कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त किए थे वे पुनः यहाँ प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं। अपने कर्म फल के शेष रहने के कारण वे ऐसा रूप धारण करते हैं और कर्म संशय के बंधन के कारण ही वे जन लोक से पुनः इस लोक में आते हैं। इस उत्पत्ति में कर्मों के आक्षेप को ही कारण समझना चाहिए। वे उन शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही जन लोक से यहाँ उत्पन्न होते हैं। नाना योनियों में वे नाना रूप धारण कर देव योनि से लेकर स्थावर पर्यंत योनियों से उत्पन्न होते हैं। उनमें से सृष्टि के पूर्व जिनको जो कर्म प्राप्त थे वे पुनः पुनः जन्म लेकर उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि को कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं। इसलिए वे कर्म ही
उनको अच्छे जान पड़ते हैं। बीते हुए कल्पों से उनके जैसे रूप और नाम रहते प्राय उन्हीं नाम रूपों की भविष्य कल्पों में प्राप्त करते हैं। इस नियम के अनुसार उन्हीं नाम रूपों को इस सृष्टि में भी प्राप्त किया। वे इस प्रकार प्रत्येक कल्प में नाम रूपों के अनुसार जन्म लेते हैं। तदंतर सृष्टि की इच्छा से चिंतनशील ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में उन जनलोकवासी प्रजाओं को ध्यान किया। उस समय अपने मुख से एक सहस्त्र युगम अर्थात नर नारी उत्पन्न किए। सतोगुण के उद्रेक से वे पुरुष स्त्री बुद्धिमान और सतोगुणी हुए। वक्षस्थल से दूसरे 1000 पुरुष स्त्री के जोड़े उत्पन्न किए। वे सभी रजोगुण की अधिकता से तेजस्वी और तेज विहीन दोनों प्रकार के थे। पुनः अपने उरु से अन्य 1000 जोड़ों को उत्पन्न किया जो रज और तम दोनों की अधिकता से कामुक हुए। अपने चरणों से जिन 1000 जोड़ों को उत्पन्न किया वे केवल तमोगुण की अधिकता के कारण तामसी श्रीहीन और अल्प तेज वाले थे। वे स्त्री संघ प्राणी एक दूसरे के प्रेम से आकृष्ट होकर स्त्री संघ कार्य में ही प्रवृत्त हुए। इस कल्प में उसी समय वे स्त्री संघ सृष्टि आरंभ हुई। उस समय स्त्रियों को प्रति मास रजो दर्शन नहीं होता था, अतः स्त्री संग करने पर भी उनको संतान नहीं होती थी। वे एक बार ही जीवन के अंतिम भाग में एक बालक और बालिका को जन्मती थी। वे शूद्र और कुविक मरणशील थे। उस समय से ही इस कल्प में स्त्री संघ सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उन प्रजाओं को मन से ध्यान करने पर विचार करने पर एक बार प्रत्येक की पंच लक्षण शुद्ध शब्द आदि विषयों का ज्ञान हो गया। प्रजापति की जो पहली मानसी सृष्टि हुई उसी के वंश में मिथुन सृष्टि भी हुई जिससे ये जगत परिपूर्ण हो गया। उस समय उस कृतियों के आरंभ काल में वे मानव नदी सरोवर समुद्र और पर्वतों के समीप रहते थे। उनको अधिक शीत और गर्मी से पीड़ा नहीं होती थी। वे इच्छा अनुसार इधर उधर घूमते रहते थे। उनको पृथ्वी से उत्पन्न वनस्पतियों या फल मूल को खाते थे। उनको मानसिक सिद्धि प्राप्त थी और वे कामचारी थे। उनको धर्म अधर्म का विचार नहीं था, कोई भेदभाव भी नहीं था। उस कृत युग में वे आयु रूप और सुख अनुभूति में समान थे। कल्प के आदि में कृत युग में धर्म और अधर्म का विचार नहीं था। लोग कृत युग में अपने अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न होते थे। उस कृतियुग का वर्ष प्रमाण 4000 दिव्य वर्ष है और संध्या तथा संध्यांश का प्रमाण 400 वर्ष है। यद्यपि उस समय प्रजाएं हजारों की संख्या में थी तथापि उनमें किसी प्रकार का संघर्ष प्रतिद्वंद्वता और क्रम का प्रश्न नहीं था। वे तो परतों और समुद्रों के निकट बसते थे। उनका कोई स्थायी घर भी नहीं था। वे एकांत सुखी शोक रहित सतोगुणी अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर घूमते और सदा प्रसन्न रहते थे। उस समय पशु पक्षी सरीसृप अर्थात रेंगकर चलने वाले आदि जीव नहीं थे। ना तो उस समय अधर्म करने वाले कोई नारकीय जीव थे और ना कोई उद्भिज पदार्थी थे। मूल फल पुष्प का उस समय अभाव था, ये उपजाए नहीं जाते थे। ऋतु और ऋतु संबंधी परिवर्तन आदि भी नहीं थे। उनके लिए प्रत्येक क्षण सुखदायी थे। अति शीत और असह्य आतप नहीं था। उनको सर्वत्र सर्दा अभीष्ट पदार्थ प्राप्त थे। उनकी इच्छा मात्र से पृथ्वी से रसमय पदार्थ मिल जाते थे। उनको बल और रूप को बढ़ाने वाली रोगनाशक औषधियाँ प्राप्त थी। यद्यपि वे अपने शरीर का संस्कार अर्थात संस्नान आदि नहीं करते थे तथापि वे स्थिर यौवन थे। उनके शुद्ध संकल्प से ही मिथुन प्रजा संतति उत्पन्न हो जाती थी। वे जन्म और रूप में समान से मृत्यु भी साथी होती थी। उस समय सत्य अलोभ क्षमा तुष्टि सुख और संयम का भी प्रचार था। इनके रूप वायु शीत और चेष्टाओं से पार्थक्य या विशेषता नहीं थी। प्रजाओं के व्यापार और व्यवहार स्वाभाविक होते थे, बुद्धिपूर्वक नहीं। कृतयुग में शुभ और अशुभ कर्मों में प्रजा की प्रवृत्ति नहीं थी क्योंकि शुभ अशुभ का विभाग था ही नहीं। उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी। ना तो संकर दोषी था,
वे परस्पर अकाम और अनिच्छा पूर्वक व्यवहार करते थे। रूप वायु में सभी तुल्य थे, उत्तम अधम का प्रश्न ही नहीं था। उस युग में तो सभी सुखी, विशोक, सदा प्रसन्न, महासत्व और महाबलवान थे। उनमें लाभ लाभ, मित्र मित्र, प्रिय अप्रिय के व्यवहार नहीं थे। वे निरी और मन की प्राकृतिक प्रेरणा से ही विषयों में प्रवृत्त होते थे। एक दूसरे के प्रति किसी को कोई इच्छा स्वार्थ नहीं था, ना तो परस्पर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। हित युग में ध्यान का ही महत्व है, त्रेता में ज्ञान का, द्वापर में यज्ञ और कलि में दान ही श्रेष्ठ समझा जाता है। युग अनुरूप कृत युग में सतगुण, द्वापर में रज और तम और कलि युग में केवल तम ही प्रधानता रहती है। कृत युग का जो काल परिमाण है उसको सुनो, 4000 दिव्य वर्षों का कृत युग है। उसकी संध्या संध्यांश का परिमाण 800 दिव्य वर्ष है। उस युग में प्रजाओं की मृत्यु, क्लेश और विपत्तियों की आशंका नहीं। तदंतर उस कृत युग में संध्यांश काल के बीत जाने पर उस समय का शुभ धर्म चौथाई शेष रह जाता था। इस प्रकार कृतयुग के बीत जाने पर उस युग की सिद्धि भी लुप्त हो गई। उस मानसी सिद्धि के लुप्त हो जाने पर त्रेता और कृतयुग के संधि काल में दूसरी सिद्धि उत्पन्न हुई, जो मैंने सृष्टि के आरंभ की जिन 8 प्रकार की सिद्धियों को गिनाया है वे 8 क्रमशः नष्ट हो जाती हैं। कल्प के आदि में कृतयुग में वह मानसी सिद्धि होती है। सब मनवंत्र में 4 युगों के विभाग के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म के आचार पालन के द्वारा कर्मों की सिद्धियां होती हैं, किंतु युग शेष के साथ ही साथ वर्ण आश्रम के आधार और कर्म जन्म उनकी समस्त सिद्धियां भी नष्ट हो जाती हैं। सतयुग के संध्या काल में युग धर्म का एक पाद, संध्यांश काल में संध्याकालीन धर्म का एक पाद एवं त्रेता के प्रारंभ में उन संध्याकालीन धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है। इसी क्रम से तपस्या, शास्त्र ज्ञान, बल और आयु भी क्षीण होती है। मुनिगण, सतयुग और संध्यांश के क्षीण हो जाने पर त्रेता युग का प्रारंभ होता है। जब प्रजाओं में युग आदि कालीन वह सिद्धि नहीं रहती, तब फिर उनमें दूसरी सिद्धि उत्पन्न होती है। जल समूह की सूक्ष्मतमा भी नष्ट हो जाती है और वह गर्जनकारी मेघ के रूप में परिणित हो जाता है और वृष्टि की सृष्टि हो जाती है। एक बार भी वृष्टि के हो जाने पर से प्रजाओं के वास स्थानों में वृक्ष आदि उगाते हैं, इससे प्रजाओं का विविध उपभोग प्राप्त हो जाते हैं। त्रेता युग जो प्रथम अवस्था में प्रजाजन उसी में जीव का निर्वाह करते हैं, इसके बाद कम से कम उनके भावों में परिवर्तन होने लगता है। वे आकस्मिक राग और लोभ से आक्रांत हो जाते हैं। सतयुग में स्त्रियों को आयु के शेष काल में ही गर्भ धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है, किंतु वह भाव युग प्रभाव से त्रेता से में विलुप्त हो जाता है। इस युग में स्त्रियां प्रति मास ऋतुमती होती हैं। सेवास कारी प्रजाओं के प्रतिमास संगम करने से अकाल में ही गर्भ उत्पत्ति एवं आर्त्व उत्पत्ति होने लगती है। पुनः क्रमशः काल के परिवर्तनवश प्रजाओं के निवास में लगे हुए वृक्ष आदि विष्णत होने लगते हैं। इससे लोग विभ्रांत और व्याकुलचित होकर पहले का सिद्धि विषयक ध्यान करने लगते हैं। उनके सत्याभिमान के फल से फिर घरों में वृक्ष आदि उगने लगते हैं। इस प्रकार से उन वृक्षों से वस्त्र, फल, आभरण एवं उत्तम गंध वाला, देखने में सुंदर, सरस और अत्यंत तेजकारी अमाक्षिक मधु हर पत्तों से प्राप्त करने लगे। त्रेता युग में प्रजाजन उसी के द्वारा सुख से जीवन व्यतीत करते थे। सभी उसी सिद्धि के द्वारा हृष्ट पुष्ट और शोभ रहित होकर काल यापन करते थे। फिर यह जब कालक्रम से प्रजावर्ग लोभ के वशीभूत होकर उन समस्त गुणों को और माक्षिक मधु को बलपूर्वक अपनाने लगे, तब उनके इस उपचार के कारण कहीं कहीं वे कल्प वृक्ष मधु के समान ही
विनिष्ट होने लगे। उस काल में कल्प वृक्षों के क्षीण होने से प्रजाओं में शीतोष्ण आदि द्वंद क्लेश भी उत्पन्न हो गए। वायु ठंडक और गर्मी से पीड़ित होकर लोग मात्र आवरण अर्थात वस्त्र धारण करने लगे। वे यथेच्छ विहारी गृहहीन प्रजाजन गात्रावास द्वारा वायु शीत और घाम के कष्ट का निवारण करने के लिए घर बनाकर रहने लगे। यथा योग्य अपनी रुचि के अनुसार गृह निर्माण कर सुख से निवास करने लगे। उन्होंने गुरु उन्नत निम्न पर्वत नदी जल प्रया सम विषम दुर्गम इत्यादि नाना स्थान में अपनी रुचि के अनुसार शीतातप क्लेश से बचने के लिए दुर्ग भवन आदि बनाना आरंभ कर दिया। तब खेत अर्थात शूद्रग्राम पुर अंतपुर हम्बर आदि बनाए गए। उनकी चौड़ाई लंबाई यथाबुद्धि निश्चित की गई। उनके दीर्घ प्रस्थादि प्रमाण के लिए अंगुली के माप द्वारा विविध प्रमाण की संज्ञा भी निश्चित हुई। प्रदेश हस्त किंशको धनु इत्यादि संज्ञाएं तभी से प्रचलित हुई। 10 उंगलियों का एक प्रदेश अंगुष्ठा से लेकर तर्जनी तक के विस्तार परिमाण को प्रादेश मध्यम पर्वत का ताल अनामिका के अंत तक गोकरण और किनिष्टांत सौभाग्य की एक वितस्ती होती है। वितस्ती का प्रमाण 12 अंगुल का होता है। 21 उंगलियों के पदों की रत्नी 24 उंगलियों के पर्वों का हस्त और 2 रत्नियों का अर्थात 42 उंगलियों का एक किश्कु होता है। 4 हाथ का एक धनु दंड या नलिका युग होता है। 2000 धनुषों की एक गव्युति और 8000 धनुषों का एक योजन होता है। इस योजन परिमाण के अनुसार से उन लोगों ने अपना अपना वास स्थान बनाया था। उन लोगों ने 4 हाथ के दुर्गों का भी निर्माण किया जिसमें 3 दुर्ग तो प्राकृतिक होते थे परंतु चौथा कृत्रिम होता था। इस कृत्रिम दुर्ग के भी विधि सुनिए। उसमें ऊंचे घेरे वाले कोठे बहुजल पूर्ण परिखा सेतु संयुक्त द्वारदेश और स्वस्तिक द्वार होते हैं। दुर्ग में कुमारीपुर भी रहता है। परिखा की लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 हाथ की ठीक होती है या 9 और 8 हाथ की भी होती है। खेत नगर ग्राम और त्रिविध दुर्गों की सीमा पर्वत अथवा जल द्वारा बांधी जाती है। विष्कम्भ परिमाण के त्रिविध दुर्गों का आयतन परिमाण 8.5 अंश का होता है। लंबाई से आधी चौड़ाई वाला पुर श्रेष्ठ होता है। पूर्वोत्तर दिशा का भाग कुछ निम्न रहना चाहिए। छिन्न क्रम विकरण छिटफुट घना गोल छोटा और बड़ा पुर निंदनीय होता है। चौकोर कुछ बड़ा एवं एक दिशा में घना होता है किंतु इसमें भी अपेक्षा कृत पहला ही उत्तम है। 24 हाथ और 108 हाथों के विष्कम्भ परिमाण से युक्त सम चतुरत्न अर्थात चकोर मध्यभाग प्रश्नीय होता है। पूर्व मध्यवर्ती मुख्य वास स्थान का विष्कम्भ परिणाम 800 किश्कु है। नगर के परिमाण से खेत का परिमाण आधा होता है और खेत कस्बा के परिमाण से ग्राम का परिमाण छोटा रहता है। नगर से खेत एक योजन पर और खेत से ग्राम आधे योजन पर रहता है। परम चरम सीमा 2 कोस की क्षेत्र भी की सीमा 4 धनु की होती है। प्रत्येक दिक्पथ का विस्तार 20-20 धनुओं का होता है। काम्य पथ का विस्तार भी 20 धनु और सौभाग्य का परिमाण 10 धनु होता है। श्री संपन्न राजपथ का विस्तार 10 धनुओं का होता है जिसमें मनुष्य हाथी घोड़े रथ आदि सुखपूर्वक चल फिर सके। उस काल के प्रजागण शाखावली 4 धनु का बताते थे। घरेलू गली 2 धनु की साधारण गली 1 धनु की
घंटा पथ 4 पद का और गृहांतर 3 पद का होता था। वृत्ति पथ आधा पद का और प्राग वंश का पद का एवं अवस्कर और जल निर्गम स्थान 1 पद का होता था। ये वे प्रजागण ऐसा करके पहले जिस प्रकार वृक्षों के निकट वास करते थे, वैसे ही घरों को भी उन्हीं वृक्षों के अनुकरण से बार बार सोच विचार कर बनाने लगे। वृक्षी शाखा जिस प्रकार आगे पीछे ऊपर और इधर उधर फैली रहती है, उसी प्रकार काट फैला कर उन लोगों ने उत्तम घर बनाया। वृक्ष शाखा की तरह विन्यस्त होते से वैसे घरों का नाम शाला रखा गया। शाखा के आकार में बनाए जाने के कारण वे गृह शाला के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही शाला शब्द का युगार्थ है, क्योंकि शाखाओं से ही शाला और शालात्व बने हैं। जिस घर में मन प्रसन्न हो और जो मन को प्रसन्न करे, ऐसे गृह और शाला का नाम प्रासाद रखा गया। उस काल के प्रजागण इस प्रकार शीतोष्ण आदि द्वंद्व क्लेश का निवारण करके जीविका का उपाय सोचने लगे। मधु के साथ साथ कल्प वृक्षों के विनष्ट हो जाने से वे प्रजागण भूख प्यास और विवाद से व्याकुल हो रहे थे। तब सत्ययुग की ही तरह उस त्रेता युग में उनके बीच काम अनुरूप वातार्थी साधक अर्थात जीव का साधक वृष्टि रूप सिद्ध उत्पन्न हुई। इससे उनकी वृत्ति जीविका चली। उस द्वितीय वृष्टि सृष्टि से पृथ्वी का जो स्थान जलहीन और शुष्क हो गया था, वह जल पूर्ण हो गया। गड्ढे नदी के रूप में परिणित हो गए और जगह जगह से जो जल रुके गए थे, उससे पृथ्वी रसवती होकर शस्यशालिनी होगी। बिना जोते बोए 14 तरह की फल फूल मूल वाली औषधियाँ गांव और जंगलों में उगाई। उस त्रेता युग में ही ऋतुओं के अनुकूल पुष्प फल वृक्ष गुल्म और जीविका की बहुविध औषधियाँ उत्पन्न हुई। उन औषधियों के गुण से उस काल के प्रजा लोग सुखपूर्वक काल यापन करते थे। तब युग धर्म के अनुसार अस्यंभावी रोग और लोभ उनमें उत्पन्न हुए। अपनी शक्ति के अनुसार उन लोगों ने क्षेत्र पर्वत वृक्ष गुल्म और औषधियों को अपने अपने अधिकार में करने लगे। सत्ययुग के पूर्व जिन सिद्ध आत्माओं की कथा को कहा गया है, वे ब्रह्मा की मानस सृष्टि है, यजन से ही उसकी उत्पत्ति है। वे ही फिर त्रेता युग में जन्म ग्रहण करते हैं। शुभ अशुभ कर्म के गुरुत्व और लघुत्व के अनुसार यथा क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और इन तीनों का द्रोहकारी शूद्र इस तरह चतुर्विध प्रजा उत्पन्न हुई। उनके बीच जो बलवान सत्यवादी अहिंसक निर्लोभ और जितेंद्रिय थे, वे ऊपर बताए गए नगर ग्राम आदि में रहते थे। उनकी अपेक्षा जो दुर्बल थे, वे उनमें प्रति हद दान लिया करते थे। जो इनकी अपेक्षा भी दुर्बल थे, उनका कर्म किया करते थे, और जो इनसे भी दुर्बल थे, वे इनकी परिचर्या किया करते थे। इस तरह वे परस्पर आश्रय लेकर काल यापन करते थे। उनके इस दोष से औषधियाँ इस तरह नष्ट हो गई, जिस प्रकार क्रमशः मुट्ठी मुट्ठी हटाने से बाल का राशि नष्ट हो जाती है। युग धर्म अनुकूल पृथ्वी ने तब 14 प्रकार के जंगली और ग्रामीण शस्य को अपने में छिपा लिया। प्रजागण उस समय फल लेते समय पुष्प और पुष्प लेते समय पत्र को भी तोड़ लिया करते थे। इससे वे सब नष्ट हो गए और प्रजागण व्याकुल हो उठे। वे व्याकुल होकर पुनः जीव का लाभ के लिए शंभु प्रजापति ब्रह्मा के साथ उपस्थित हुए। उस त्रेतायुग के आदि काल में शंभु प्रजापति ब्रह्मा ने उनकी अभिलाषा को जान लिया और प्रत्यक्ष भी देखा। विचार करने के बाद ये जानकर कि पृथ्वी ने औषधियों को अपने वश में छिपा लिया है, पृथ्वी को फिर से दुहा। उन्होंने सुमेरु को बछड़ा बनाकर इस पृथ्वी को दुहा। दुहे जाने पर इस धेनु रूपा पृथ्वी ने जंगली और ग्रामीण बीजों को पृथ्वी तल पर उत्पन्न किया। फल पकने और जिसके बीज रहे, वे औषधियाँ हैं। ये औषधियाँ 17 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूँ, तिल, प्रियंगों, उदार, कारूष, सवीनक, माश, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुल्थी, आडक्य और चना। ये 17 प्रकार की औषधियाँ ग्रामीण कही जाती हैं। ग्रामीण और जंगली 14 प्रकार की औषधियाँ यज्ञ साधन हैं। ब्रीही, यव, माश, गोधूम, अनु, तिल, प्रियंगु, कुल्थी, श्यामाक, निवार, जरतिल, गवेधुग, कुरुविंद, वेणुयव और मरकटक। ये 14 प्रकार की औषधियाँ
ग्रामीण और अरण्यक दोनों हैं। त्रेता युग के आदि काल में पहले से उत्पन्न हुई बिना जोते ये औषधियाँ जंगलों और ग्रामों में उत्पन्न हुई। इनके अतिरिक्त वृक्ष गुलम लता वल्ली विरूष तृण आदि भी प्रादुर्भूत होकर मूल फल पुष्प आदि से प्रजाओं को सुख समृद्ध करने लगे। ब्रह्मा द्वारा दोहे जाने पर पृथ्वी ने जिन बीजों को उत्पन्न किया था उससे ऋतुओं के अनुकूल उनसे विभिन्न प्रकार के फल का उपाय किया कि भूमि जोतकर अन्न उपजाया जाए। शंभु भगवान ब्रह्मा ने उनकी कर्मजन्य सिद्धि को देखकर ऐसा किया। तभी से कर्षणज सस्य उत्पत्ति आरंभ हुई है। उनकी संदिग्ध वार्ता में यानी जीविका उपाय के विवाद संवाद में ब्रह्मा ने बहुत ही मर्यादा व्यवस्था स्थापित की। उसके बीच जो बलवान और भूमिपति थे उन क्षत्रियों को दूसरे की रक्षा का भार सौंपा। जो उन क्षत्रियों के निकट निर्भय होकर जाते थे सत्यवादी और सब भूतों में ब्रह्म ज्ञानवान थे वे ब्राह्मण कहलाए। जो उनकी अपेक्षा निम्न क्रूर कर्म करने वाले थे और यम की तरह जानबूझकर पृथ्वी पर प्रजाओं का नाश करते थे उन्हें की नाश पद से अभिहित कर वैश्य कहा और उन्हें सर्वसाधारण के वृत्ति साधन कार्य में लगाया। जो सोचते हुए शोक करते हुए इधर उधर भ्रमण करते थे और निस्तेज थे उन्हें शूद्र कहा गया और उन्हें परचर्या कार्य में लगाया। इस तरह ब्रह्मा ने उनके धर्म कर्म का प्रणयन किया और वे चतुर्वर्ण अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। फिर वे क्रम क्रम से मोहवश होकर उन सकल वर्ण धर्म नियमों का अनादर कर परस्पर विरुद्धाचरण में प्रवृत्त हुए। प्रभु ब्रह्मा ने यथार्थता उनके आचरणों को जानकर क्षत्रियों को बल शासन और युद्ध जीव को उपाय बताया। ब्राह्मणों को याजन अध्यापन और प्रतिग्रह रूप तीन कर्म बतलाए। पशुपालन वाणिज्य और कृषि कर्म रूप जीव का उपाय वैश्यों को दिया एवं शूद्रों के लिए शिल्प तथा दासत्व की व्यवस्था की। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए यजन अध्ययन एवं दान की सामान्य रूप से व्यवस्था की। ब्रह्मा ने उन्हें परस्पर कर्म और जीव का देकर उनकी सिद्धि के अनुरूप लोकांतर में भी स्थानों का निर्देश कर दिया। क्रियाशील ब्राह्मणों के लिए प्रजापत्य स्थान, संग्राम में डटे रहने वाले क्षत्रियों के लिए इंद्र स्थान, स्वधर्मनिष्ठ वैश्यों के लिए मारुत नामक स्थान और अपने आचरण में निरत शूद्रों के लिए गंधर्व स्थान का निरूपण किया। स्वधर्मनिष्ठ वर्ण चतुष्टयों के लिए उन्होंने इन स्थानों का विधान किया। इस तरह वर्ण धर्म की प्रतिष्ठित हो जाने पर उन्होंने आश्रम का स्थापन किया। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और भिक्षुक नामक चार आश्रमों को ब्रह्मा ने पहले स्थापित किया। उन आश्रमवासी प्रजाओं में कुछ वर्ण धर्म को नहीं करते थे और कहने लगे कि पृथ्वी तल में हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, क्या करें। तब ब्रह्मा ने उन्हें कर्म निष्ठ करने के लिए चार आश्रमों का विधान किया। प्रभु ब्रह्मा ने तब प्रजावर्ग को शिक्षा देने के लिए धर्म आचार और यम नियम आदि का उपदेश दिया। चारों आश्रम के मध्य ग्रस्त आश्रम ही अन्य आश्रम की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है। अतः ग्रस्त आश्रम चारों आश्रम का मूल है। अब हम यथाक्रम से यम नियम के साथ आश्रम चतुष्ट का विधान करते हैं। स्त्री परिग्रह, अग्निहोत्र अनुष्ठान, अतिथि सत्कार, यज्ञ श्राद्ध आदि कार्य और संतान उत्पादन यही संक्षेप में ग्रस्तों के कर्तव्य धर्म हैं। दंड मेखला जटा धारण करना, भूतल शयन, गुरु शुश्रुवा और भिक्षा ये विद्यार्थी एवं ब्रह्मचारियों के लिए पालनीय धर्म हैं। चीर पत्र और अजिन धारण, धान्य मूल और फल भक्षण, दोनों संध्या काल में डुबकी लगाकर स्नान तथा होम अनुष्ठान ये वानप्रस्थ वालों का करनीय धर्म है। जिस समय मूसल का शब्द नहीं सुना जाता हो उस समय भिक्षा करना, अस्ते अर्थात चोरी नहीं करना, शौच, सावधानता, संभोग से प्रांगमुख होना, प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, अक्रोध, गुरु शुश्रुवा और इस तरह इस 10 धर्म लक्षण धर्म को शंभु ने सन्यासियों के लिए कहा है। इसमें ऊपर वाले 5 भिक्षुकों के लिए मुख्य हैं और नीचे 5 गौण। इसके अतिरिक्त सदाचार, विनय, शुद्धता, विलासहीनता और सम्यक विवेचन ये 5 उपव्रत कहे गए हैं। ध्यान,
इंद्री मन का संयम, सर्वत्र जाकर बिना कटु वचन कहे भिक्षा ग्रहण, शीर या इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाले उपचारों का निरादर सन्यासियों के लिए धर्म कहा गया है। ब्रह्मा ने स्वयं कहा है कि सभी आश्रम कल्याण के लिए हैं, किंतु सत्य, सरलता, दया, क्षमा, योग, याग, दम, वेद, वेदांग, यजन, व्रत, नियम आदि कर्म सद्भावना रहित श्रद्धाहीन व्यक्तियों के लिए फलप्रद नहीं है, अतः शुद्धि नहीं है। वे प्रकर्म करके भी कभी सफल नहीं हो सकता। कलुषित हृदय से सर्वस्व दान करके भी कोई धर्म भाजन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भावना शुद्ध नहीं। धर्म लाभ के विषय में मानसिक भावना ही कारण है। देव, पितर, ऋषि और मनुओं के लिए जो स्थान निर्दिष्ट है, वे ही स्थान सन्यासियों के लिए भी हैं। 88,000 उद्धरता ऋषि हैं, इनके जो स्थान हैं वे ही गुरु के निकट रहने वाले ब्रह्मचारियों के हैं। सप्तऋषि जहाँ निवास करते हैं, इनके जो स्थान हैं वही देव के वास स्थान हैं। ग्रस्त प्रजापति लोक में वास करते हैं और सन्यासी ब्रह्म लोक लाभ करते हैं। योगियों के लिए अमृत के वल्य नामक स्थान, किंतु नाना बुद्धि वालों के लिए कहीं स्थान नहीं है। ये स्थान आश्रमस्य सधर्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट हैं। देवयान महापथ के ये चार साधारण पथ हैं। लोक विस्तार्थी ब्रह्मा ने आदि मनवंतर में देवयान प्राप्ति के लिए भूमंडल में इसका निर्माण किया है। सूर्य इन सब पथों के द्वार रूप हैं। इसी तरह पितृयान के द्वार चंद्रमा कहे जाते हैं। इस तरह वर्ण आश्रम विभाग करने पर भी प्रजागण उस वर्ण आश्रम धर्म के पालन में स्थिरता दिखाने लगी। ये देखकर उन्होंने फिर अपने शीर्ष से उस त्रेता युग में अपनी की तरह कितनी ही मानसी प्रजा की सृष्टि की। उस त्रेता युग के क्रम से मध्यकाल प्राप्त होने पर उन्हें दूसरी मानसी प्रजा की सृष्टि करने का प्रयत्न किया। प्रभु ब्रह्मा ने उस समय सत्य, रज, प्रधान देव, ऋषि, पितर और मनु नामक चार प्रकार के संतान को उत्पन्न किया। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और जीवन यात्रा के साधक हैं। ब्रह्मा के इन पुत्रों ने ही धर्म के अनुसार युग अनुरूप संतान उत्पादन द्वारा सृष्टि विस्तार किया है। संभव द्वारा निर्मित उस प्रजा धर्म के पूर्ण प्रभाव काल में सब मानसी प्रजा नाना रूप होकर ध्यान करने लगी। हमने पहले ही कहा है कि जनलोक में जो अतीत कल्प में थे वे देवादि यहां प्रजा होकर आए। ब्रह्मा के ध्यान करने से ही इस तरह की संपूर्ण विषयों में एक प्रकार रहते हैं। प्राणियों को कर्म फल के अवशेष होने पर ही जन्म ग्रहण करना पड़ता है। वे देव, असुर, पितर, पशु, पक्षी, सरीसृप, रेंग कर चलने वाले वृक्ष, नारकीय कीट आदि नाना रूपे प्रादुर्भूत होते हैं। अपने द्वारा रची ही प्रजाओं के सुख स्वतंत्रता के लिए ब्रह्मा ने ऐसा विधान बनाया।